प्लीज ऐसा कोई सवाल मत पूछना। नहीं नहीं पूछो, जवाब मिलेगा वैसा जैसा सवाल होगा। मेरी मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को कम मौका मिलता है अपना। आप लोग चुप करेंगे। हाँ ओके, वी विल स्टार्ट अगेन। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस? नॉट राइट नाउ, थैंक यू सो मच। एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? या अच्छा, फेयरनेस क्रीम जो ऊपर जिस तरह से अभी चल रहा है, जो मतलब बड़े-बड़े स्टार्स जो है फेयरनेस क्रीम को प्रमोट करते हैं, लेकिन अभय देओल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है फेयरनेस क्रीम को लेकर, उसके ऊपर आप लोग सो रहे थे क्या जब इतने सालों से फेयरनेस क्रीम्स लोग एंडोर्स कर रहे थे? तो तब आप सो रहे थे? अभी एक स्टार ने कुछ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बनाया है तो प्रेस में आप उछाल रहे हैं, आप तब पहले सो रहे थे? कितने सालों से फेयरनेस क्रीम्स इंडिया में चलती हैं? इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। मुझसे तो, मैं इनको जानती हूँ, इन्होंने नहीं पूछा, इट्स नॉट अ पर्सनल अटैक ऑन यू, बट आई एम आस्किंग द प्रेस इन जनरल, व्हाई डज इट टेक समबडी एल्स टू रेज दिस इशू? व्हाई कांट इट कम फ्रॉम यू? यू आर रिस्पॉन्सिबल मीडिया ना, यू आर द फोर्थ स्टेट। सो देन आगे और रिचा जी, हाल ही में कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में कई जो ग्रुप स्टूडेंट्स रहते हैं वो हमारे जवानों का असॉल्ट कर रहे थे, तो आप कैसे देखते हैं वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स? ये ना, ये मुद्दा आपकी समझ से तो पहली बात बाहर है, दूसरी बात ये पॉलिटिकल एरिना नहीं है, तो मैं इस पर कॉमेंट करके आपको हेडलाइन ही देना चाहती। आपको कुछ जानना है तो मैं ब्लॉग लिख दूंगी। ओके, थैंक यू। For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.